नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं क्रिकेट तक क्रिकेट के बहुत ही सुंदर कायदे के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा जो तबला वादक हैं उसको बजाते हैं और बहुत ही सुंदर ये कायदा है। तो चलिए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ और इसके जितने भी पलटे हैं और इसमें जितनी भी तिहाइयाँ हैं और या फिर इसमें आप रेला कौन सा लगा सकते हैं, ये सारा डिटेल में मैं अपने चैनल पर आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको कायदा बताने वाला हूं वो वर्ल्ड फेमस कायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको बजाना कैसे है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आपने सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, तो जिन दोस्तों के मैसेज आते हैं मैं कोशिश करता हूं उनका जो भी प्रश्न है या समस्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी मैं शुरुआत में जो कायदा बजा रहा था तो वही कायदा हम करने वाले हैं। उसके बोल हैं, धाती धा तेरे केट तक तेरे केट, धाती धागे ते ना के ना, ताती ता तेरे केट तक तेरे केट, धाती धागे दे ना गे ना धा। तो ये आज हम कायदा करने वाले हैं। तो इसको बजाना कैसे है, स्पीड में कैसे बजाना है, पहले एक गुण में कैसे बजाना है, फिर दो गुण में कैसे बजाना है, फिर चौगुण में कैसे बजाना है लहरे के साथ, तो ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक गुण दो गुण में बजाते हैं और इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको दुगुन तक लेकर जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने शुरुआत में जो लहरे के साथ नगमा या लहरा आप यूज करेंगे, तो लहरे के साथ जो मैंने ताल लगाई थी वो तीन ताल, क्योंकि ये तीन ताल में कायदा है, तीन ताल लगाई थी, विलंबित वाली तीन ताल लगाई थी। कैसे, देखिए, विलंबित तीन ताल लगाई थी क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 60 की स्पीड है, 60 bpm है। तो पहले विलंबित में बजाया और विलंबित में बजाने के बाद फिर मैंने उसी स्पीड में उस कायदे को बजाया। तो उस कायदे को बजाने के बाद मैंने फिर उसको दुगुन में बजाया। तो देखिए अब इसको बजाना कैसे है, देखिए, अब देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए, धाती धाते रहते धाते रहते। तो सबसे पहले इसको कैसे बजाना है, देखिए, धा ती, अब देखिए ती आपने क्या करना है, सेकंड फिंगर से इसके ऊपर स्याही के ऊपर बजाना है, धा ती धा तिरकिट तक तिरकिट। अब देखिए तिरकिट तक तिरकिट, ती र ती ट ता ती र ती ट, तो ये है आपका तिरकिट तक तिरकिट। तो ये बोल है, इसको आपने ऐसे बजाना है।
पहले आपने क्या करना है, जिनका ये बिल्कुल साफ नहीं निकल रहा है, तो एक दो वीडियो में मैंने बताया था कि तिरगिट तक तिरगिट का रियाज कैसे अच्छे ढंग से करना है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप मैसेज कीजिए, तो मैं आपको एक दो ट्रिक और बताऊंगा जिससे आपकी जो तिरगिट तक तिरगिट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब क्या है कि देखिए तिरगिट तक तिरगिट, अब देखिए तिरगिट तक तिरगिट, अब इसको स्पीड में और बिल्कुल स्लो स्पीड में साफ स्पष्ट कैसे निकाले, तो देखिए पहले तो आपने बिल्कुल आराम से इसी बोल को बिना लहरे के साथ आपने इसका रियाज करना है। तीर, इसमें ती यहां से शुरू होता है दोनों उंगलियों से, ती र ती ट ती र ती ट, तो आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल स्लो स्पीड में मैंने बजाया। तो अब क्या है, इसको बजाइए बिल्कुल ऐसी ही स्पीड में बजाइए, शुरू ऐसे ही कीजिए और फिर धीरे 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 आप इसकी स्पीड बढ़ाते जाइए, और जब आपको लगे कि आपका जो स्पीड है वो अच्छा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस स्पीड में आपका अच्छा है, तो इस स्पीड में मान लीजिए आपका अच्छा है तिरगिट तक तिरगिट, तो फिर आप लहरे के साथ रियाज कीजिए। लहरे के साथ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपने कैसे लहरे के साथ अभ्यास करना है, जैसे मान लीजिए यही स्पीड है, ये 60 है, आप 50 पर कीजिए, 40 पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 60 की है, अब देखिए इसके ऊपर मैं कैसे बजा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए आपने कैसे बजाना है क्रिकेट तक क्रिकेट का रियाज करते हुए। तो देखिए आपने बस ओनली बजाना है, देखिए क्या बजाना है, देखिए ये मैं क्या बजा रहा हूं, ये है धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक तेरे कट धा तेरे कट तक तेरे कट धा। सॉरी मैं जो लहरे के साथ नहीं बजा रहा हूं, आपको बताने के लिए धा तेरे कट तक तेरे कट धा, उसकी स्पीड में लेकर जाना, तो कैसे बजाना देखिए। ऐसे आप इसका बिल्कुल साथ साथ चलते रहना है, जरूरी नहीं है कि आपने सम के ऊपर ही आना है, बस उसकी स्पीड में आपने चलते जाना है। जब आपको लगे कि इस स्पीड में आपका रियाज अच्छा है, फिर आप पूरा लहरे के साथ एक गुण और दुगुन में बजाइए, ओनली एक गुण और दुगुन में बजाइए, इससे ज्यादा आपने स्पीड में नहीं जाना है। फिर जब चौगुन की बारी आती है, तो देखिए चौगुन में सबसे पहले तो जो स्पीड है वो दुगुन की जो आगे दुगुन होती है उसकी स्पीड यानी कि चौगुन हो जाती है, तो जो चौगुन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, तो इसका रियाज करने से पहले आपको दुगुन का बहुत ही अच्छे ढंग से रियाज करना पड़ेगा। अगर दुगुन का अच्छे ढंग से रियाज नहीं होगा तो फिर आप चौगुन के ऊपर नहीं जा सकते, तो इसलिए पहले ही आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि दुगुन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, दुगुन में कोई भी आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर आप चौगुन पर जा सकते हैं। अब देखिए कायदा था हमारा दाती दा तेरे कट तक तेरे कट दाती लागे बिना के ना दाती दा तेरे कट तक तेरे कट दाती लागे बिना के ना। अब देखिए अब दुगुन और चौगुन, अब चौगुन की बात करेंगे हम। अब देखिए एक गुण मैंने आपको बता दी, एक गुण को कैसे बजाना है, फिर दुगुन मैंने आपको बताई कि दुगुन को कैसे बजाना है, अब देखिए चौगुन की तरफ हम बढ़ेंगे, पहले एक गुण फिर दुगुन फिर चौगुन, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए साथ साथ में मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा कि इसको कैसे बजाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। thank you
फिर आपने इसको चौगुन पर लेकर जाना है। तो देखिए चौगुन में जो स्पीड है वो चार गुना, जैसे चौगुन का नाम ही चार गुना स्पीड हो जाता है, जिसको चार गुना बोल सकते हैं आप, तो उसमें चार गुना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक गुण से चार गुना हो जाएगी। तो इसलिए दुगुन का अच्छे ढंग से रियाज कर लीजिए, फिर चौगुन पर जाइए। अब देखिए चौगुन में एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो तिरगिट तक तिरगिट है, जैसे हमारी ती यहां से शुरू हो रही है, तो उसमें जो तिरगिट तक तिरगिट है उसमें जो ती शुरू होता है वो सेकंड फिंगर से शुरू हो जाता है, वो सेकंड फिंगर से शुरू होता है। कैसे, देखिए तो ये बीच वाली उंगली से शुरू होता है, फिर वो बीच वाली उंगली से स्टार्ट होता है, जिससे क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जो ती है वो सेकंड फिंगर से आपने शुरू करना है। ती जो तिरगिट तक तिरगिट का फर्स्ट वाला ती है वो आपने सेकंड फिंगर से शुरू करना है। तो बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो मैसेज जरूर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। इसके पलटे और तिहाइयां और इसके साथ जुड़ा हुआ अगर आप रेला पेशकार सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन उसे जरूर दबा लें, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और आपको मैं तबले के क्षेत्र में कुछ अच्छा सिखाता रहूं। धन्यवाद।